राम राम सेठ जी। हाँ राम राम, क्या कुछ चाहिए क्या? ना ना, वो तो बस इन्हें तौलिया देने के खातिर आई थी। हाँ तो यहाँ से क्या मतलब है, कोई तौलिया उड़कर खड़ा ही जाएगा अंदर। दरवाजा खुला है, जाओ जाओ। ये भी सही बात है। जा जा। खुल नहीं रहा। ओए धागा छोड़ दे अंदर से। धीरे बोलिए, आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं हम। आप बस देखिए, शांत हो जाइए, हम आपको सब के देखो के देखो अंगेले छुरी निकले। दो शादी करके भी चैन नहीं मिला ना, जो इस छुरी के साथ मनाने लगे। बोलिए प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, प्लीज देखिए हम आपको सबको। हाँ अगर भाई तौलिया दे दिया हो तो बाहर आ जाओ, इतना अच्छा ना लगता, फैमिली वाला घर है। देखिए हम आपको ऊपर जाके सब कुछ समझाते हैं, प्लीज प्लीज प्लीज। मेरे पति पर डोरे डाल दो, शर्म नहीं आई? अच्छा अब समझे कि इतनी रात को बार बार कमरे में क्यों आ रही थी। देखिए आप प्लीज प्लीज बस ऊपर जाएंगे, आपको सब कुछ बताएंगे। क्यों नहीं, गुसल खाना तो आप दोनों की रासलीला के लिए है ना। ऐसा कुछ नहीं है, आप प्लीज पापा को मत बुलाइए। मार क्यों नहीं दिया? अगर तौलिया का लेन देन हो गया हो तो बाहर आ जा। अरे मुझे प्रेशर आ रहा बहुत जोर से। अरे कुछ तो बोल। अरे प्रेशर आ रहा है। मैं हट, मैं दीक्षित के चला जाता हूं। मारा उन्होंने हमें, मार रही जी, कुछ करें। आप प्लीज, अरे आप जी, चुप रही, हमें मार दिया। भाई साहब ये चम्मच क्यों दे दी, जब इसमें घुसी ना रही तो चम्मच क्यों पकड़ा दी? भूख लगी है चम्मच से। पिंटू जी आप यहाँ? पिंटू जी आपको पता है आपकी वजह से ना मैं रात भर सो नहीं पाया। क्यों, मैं कोई मच्छर हो रखी हूँ जो आप मेरी वजह से रात में सो नहीं पाए? पिंटू जी आप समझ नहीं रही हैं, मुझे लगा कि आप मेरे घर पे मेरे रूम में आकर सोएंगी, पर आप तो आई नहीं, कहाँ रह गई थी पिंटू जी आप? वो मैं ना वो उधर निकल गई थी, तो वहाँ पे ना। मतलब किधर? अरे मैं आ तो रही थी लेकिन फिर मुझे ना। पिंटू जी, अरे ले भैया मेरे, हमने आधी दिल्ली छान मारी, आपका कहीं नहीं पता चला, आप यहाँ पर कहाँ थी रात भर? हम तुमसे ये पूछना चाह रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके साथ में? काश। हाँ? मेरा मतलब है कि काश आप हमारे साथ होती पिंटू जी, तो आपको ना रात ना बाहर नहीं गुजारनी पड़ती। भाई बहुत तकलीफ हुई होगी ना? जी नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, ठीक है। मैंने ना बड़े आराम से रात गुजारी है स्टेशन पे। स्टेशन पे? स्टेशन? खैर मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ आपसे, ऐसा करने से पहले हमारा जरा सा भी ख्याल नहीं आया आपको? पिंटू जी अगर आपको कुछ हो जाता ना तो पूरे चांदनी चौक पे आग लगा देता, मैं छटंकी बता रहा। हाँ जी नहीं, मुझे पता था, अच्छे से पता था कि मुझे कुछ नहीं होगा, इसीलिए मैं स्टेशन पे सो गया था। था?
मतलब सो गई थी। मैं क्या कर रहा हूँ पिंटू जी, देखो ऐसा है कि तुम्हारे नाम का अभी भी होटल में रूम बुक्ड है। मैं क्या चाह रहा हूँ कि तुम वहाँ पे जाके थोड़ा सा नहा धो लो, खूबसूरत लगोगे, जलेबी भी लेके आए हम तुम्हारे लिए। ओ छोटंकी भाई, हमारे घर के शावर में क्या पेट्रोल आता है, हैं? देख एक बात साफ साफ बता रहा हूँ, पिंटू जी ना मेरे साथ ही नहाएंगी। हाँ? मेरे घर पर ही नहाएंगी, समझा तू, है ना पिंटू जी? अरे तो मेरा भाई होटल है ना, होटल में रहेंगी हमारे साथ में, उसमें कौन सी बड़ी बात है यार। देख होटल से बढ़िया ना घर होता है, और मुझे अच्छे से पता है तू क्यों मेरी दोस्त को होटल ले जाना चाह रहा है। और मुझे भी अच्छी तरीके से पता है कि तू मेरी पिंटू जी को अपने घर को ले जाना चाह रहे, अपने सपने पूरा करना चाह रहे। अरे क्या क्या क्या, एक भी सपना पूरा होने नहीं दूंगा तेरा, बता रहा हूँ। घटिया आदमी, घटिया आदमी, कौन से सपने की बात कर रहा है तू, हैं? घटिया तू है। अच्छा हमें घटिया बोल रहे? अरे पेट ले, तेरा दिमाग खराब हो गया, तू छटंकी को घटिया बोल रहे? एक झापड़ मारेंगे तो बच्चे सीधे घर पड़े बेटा तेरे। सोन पाल को झापड़ मारेगा, मार के दिखा तू झापड़। हम कोई पान ना खाते भैया, साफ सी बात है। देख सोन पाल के 100 मुक्के खाएगा ना तो यही ढेर हो जाएगा, समझा? निकल चल जा। अरे तू निकल ना, समझा? हम ना जाएंगे, तू जाएगा यहाँ से। देख पिंटू जी, अरे चुप रे पिंटू जी, अरे तेरे चक्कर में आज धक्का मैं करने आ रहा हूँ। पिंटू जी, पिंटू, पिंटू, पिंटू जी, पिंटू जी, पिंटू जी, पिंटू जी, पिंटू जी। फोटे जी सुनिए तो सही, प्लीज शांत हो जाइए आप। अरे क्यों चुप करवा रहे हमारी छोरी को, तने तो हमारी छोरी की किस्मत ही जो फोड़ दी तूने, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है अब इस चोरी के खातिर। क्या? एक मिनट, जीजाजी ना मेरे बॉयफ्रेंड है, और तुम क्यों बीच में कूद के आई ऐसे पल्लो लटके करती हुई? हाँ देखो बाबू, शर्म बेच गई है इस लड़की ने। ये तो मैं देख कर लाग रहा हूँ। जीजाजी की साली अब पूरी घरवाली बनना चाहती है। बाबू मैं बस पंखे में लटक के अपनी जान दे दूंगी। देखिए आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। तने अभी भी इतनी फिकर है हमारी? नहीं वो दरअसल क्या है कि हम काफी गरीब हैं ना, हमारे घर पे सिर्फ टेबल फैन है। गढ़ा मजाक कर लिया हम दोनों ने हमारी छोरी के साथ है, गढ़ा मजाक कर लिया। देखो भाई जमाई साहब, हमारे को थारे जैसा जो रंगीला जो है जमाई ना चाहिए, बस यही यही इसी कमरे में ये रिश्ता अब खत्म। मारी छोरी एक पल भी न रहेगी इस कमरे में अब। क्या बात है, मजा ही आ गया। तो यहाँ से जाने के लिए क्या मंगवा दूँ आपके लिए? ऊंट, गधा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, या फिर क्या मोटरसाइकिल, जो बोले मंगवा दीजिए। ना छोरी, तेने इतनी टेंशन करने की जरूरत को नहीं है। समझ गई? वो तो हम दोनों पैदल चले जाएंगे, बस मारे को तो टेंशन मारी छोरी के भविष्य की है, है? तू टेंशन ना कर छोरी, तेरा ब्याह जो मैं बहुत बढ़िया जगह करवाऊंगा। और हाँ जमाई सा, वो के बोले कर रहे हैं, रेगिस्तान की जो रेत हो है ना, तो थारी बातों को दबाने के लिए ना वो पूरी की पूरी रेत उडेल दूंगा मैं, बस उसके बदले में मारे को ना 5 लाख रुपये चाहिए। पांच लाख? हाँ सिर्फ 5 लाख भाई, मन हमारी छोरी का ब्याह करना है। अब भाई इतने पैसे थोड़ी ना हमारे पास है भाई, अब नवे घर में जावेगी तो पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ना। इसका मतलब 5 लाख मिलते ही आप ये सारा मामला रफा दफा कर देंगे? हाँ तो इनके मारी प्यारी छोरी सारी जिंदगी अपने बाप के घर थोड़ी ना बैठी रहेगी। अब हम दोनों ना जल्दी से 5 लाख रुपये का इंतजाम कर लो, हैं? समझ गए कि नहीं समझ गए? वरना वो हम दोनों के बीच में वो प्यार की प्यारी सी जो खिचड़ी पकन लग रही है ना, वो थारे बापू को जाके ना परोस दूंगा मैं।
देखिए भाई साहब, हम तो खुद आगरा से संगीतकार बनने आए थे और यहाँ लहंगे की दुकान में लहंगे बेच रहे हैं। हम गरीब आदमी हैं, हम 5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? वो तो उस छोरी के साथ रासलीला करने से पहले सोचना। हाँ भाई, देख इब तू जाके रोड पे लहंगे बेच, चाहे किसी फंक्शन में जाके न्यू बाजा बजा। मन्ने इस बात से कोई लेना देना को नहीं, मन्ने तुम्हारे 5 लाख रुपये चाहिए, वरना तेरी इस भरी जवानी ने ना ऊंट पे बिठा दूंगा, समझा? तूने चाय में अदरक ना डाली आज? कभी बिना अदरक की चाय पियो इलायची के पापा? तो फिर चीनी कम है? इलायची के पापा, तुम मेरी चाय को फीकी बोल रहे हो? तुम ये कहना चाह रहे हो कि शादी के इतने साल बाद मुझे चाय बनाना नहीं आता? अरे तो भाग ही फूट गए, जाओ इलायची के पापा, मैं तुमसे बात ही नहीं करती। अरे तुम और जगह नाटक अलग टाइप का हो रखा है, खुद की कोर्ट कचहरी लगा देती है और खामखा सामने वाले को बिना बात के सजा दे देती है। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे चाय पीने में मजा ना आ रहा, बस इतनी सी बात है। पर बात तो एक ही है ना, जाओ आज के बाद मैं तुम्हारे लिए चाय ही नहीं बनाऊंगी, तुम खुद ही चाय बना के पी लेना। अरे भैया सुन, आजकल जो छोटे का भाई है ना, वो मालिश कर रहा है मेरी, इसलिए मुझे किसी चीज में मजा ना आ रहा है बस। तो मैं क्या करूँ? तो तू कर भी क्या सकती है? सेठ जी प्रणाम। अब इस जन्म में दो दो बीवियां मिल गई हैं, तो भैया मैं तो तुझे खुश होने का जो है आशीर्वाद भी ना दे सकता। सेठ जी, वो हमें ना आपकी मदद की जरूरत थी। देख मैं एक बात बता रहा हूँ तुझे, मैंने एक बीवी के साथ रहने के लिए तुझे इजाजत दी थी, अब दो दो बीवियों के लिए मैं 2 कमरा ना दे सकता हूँ, बस ये ध्यान रख। सेठ जी हमें कमरा नहीं चाहिए, हमें धनराशि चाहिए। मिसेस पंचम जी, सेठ जी इस बर्तन को छोड़ने के लिए उसकी भरपाई जो है मेरे पैसे से ना हो पाएगी, आप अपना हिसाब किताब दोनों बाहर जाके करो भाई अकेले। ना ना सेठ जी, ऐसी कोई बात ना है। देखो सेठ जी, मैं गुगु को कहीं छोड़ने वाली ना हूँ, कहीं ना जा रही ना छोड़ के। हाँ नहीं तो सेठ जी मैं आपको बता रही हूँ, देखो भले ना मेरी शादी जो हमने भाग के की हो, हमारे पास कोई दस्तावेज ना हो, कोई गवाह ना हो, लेकिन मैं हूँ असली बीवी हूँ मैं एकदम सगी वाली। अब फुटरी कंबखत आके बैठ गई पूरे घर पे कुंडली मार के, कंबखत अजगर की तरह मेरे पति को निगले जा रही, अब मैं ना हाथ पे हाथ धरे ऐसे बैठे रहूं, मैं आपको बता रहा हूँ मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मतलब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। हाँ नहीं तो। अरे तो आप क्या चाह रही हो ये बताओ, मैं आप पंचायती करूं? नहीं सेठ जी, हम बस इतना कह रहे हैं कि वो जो फुटरी के पापा जी, उन्होंने हमसे ये कहा कि अगर हम 5 लाख रुपए दे दें तो वो इस घर से निकल जाएंगे, अगर वो 5 लाख रुपए हमें दे सकते हैं तो हमारी बहुत मदद हो जाएगी सेठ जी, बस आपसे इतना ही चाहते हैं। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, 5 लाख है? 5 लाख दे दूं तुझे और साथ में 100 गज का प्लॉट भी दे दूं, एक गाड़ी भी दे दूं और कुछ बचा कुचा रह गया वो भी दे दूं, 5 लाख। बात कर रहे हैं बेकार की। अरे भाई जीजा, छटंकी के कानों में कुछ 5 लाख रुपए की बात गूंजी, क्या चल क्या रहा? नहीं हमें भी तो पता चले भाई क्या चल रहा है। लाला तू तो जो है कान में उंगली लगा गए उधर बैठा रहा चुपचाप, ये 5,000 वाले मुंह से जो है 5 लाख की बात कैसे निकल गई? अरे यहाँ धने हैं 5 लाख रुपए। इलायची के पापा दे दो ना, अब पूरे चांदनी चौक में पिंटू से ज्यादा अभागन औरत कौन मिलेगी भला, दे दो। सेठ जी देखो, सेठ जी मैंने ना आज तक कभी से कुछ ना मांगा है, किसी के सामने हाथ ना फैलाया, लेकिन मैं आज आपसे मांग रही हूँ सेठ जी, मेरी मांग में भरे सिंदूर की भीख मांग रही हूँ सेठ जी आपसे, 5 लाख दे दो। हाँ ना दे रहे हैं ना, दे रहे हैं ना, बढ़िया ही भागन खड़ी रहे ना चुपचाप। एक मिनट, मांग में सिंदूर है? मुझे तो दिखाई ना दे रहा कहीं।
अरे सेठ जी ठीक से देखो चश्मा पहुंच गए, क्या ना थोड़ा थोड़ा लगाते, महंगा आता ना तो ऐसे थोड़ा थोड़ा लगाते हैं। अरे चुप करो यार, कहाँ सिंदूर की बातों में पीछे पड़ गए हो। अरे मैं तो कह रही हूँ कि पैसे पैसे देना वो समझो, मतलब दो ना यार पैसे। हाँ सेठ जी प्लीज। अरे दे दो ना इलायची के पापा। अरे क्यों नहीं समझ रहे हो, दे दो ना, तुम्हारा भी तो दान हो जाएगा। अरे बच्चे हैं बेचारे, इनका घर बच जाएगा, क्यों नहीं सुन रहे हो इलायची के पापा। अरे बोल ना इलायची, अरे छटंके भैया बोलो ना इलायची के पापा, दे दो ना, कितना है 5 लाख तो तुम्हें दान करना ही है ना। हाँ सेठ जी प्लीज, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं सेठ जी, हमें इन पैसों की बहुत जरूरत है सेठ जी प्लीज। सेठ जी अगर आप हमें ये पैसे दे देंगे हमारी बहुत मदद हो जाएगी सेठ जी प्लीज। देखिए तो सही, हमारी बुबू की तरफ देखिए, एकदम चूसे हुए आम की तरह हो चुकी है। प्लीज सेठ जी, हम उन्हें झेल नहीं पाएंगे सेठ जी प्लीज 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 सेठ जी, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती मानते हैं सेठ जी। सेठ जी समझना चाहते हैं, दे दूंगा 5 लाख रुपए। पौने 5 लाख क्यों? अच्छा नकद दूंगा तो अपना कमीशन ना काटूंगा? मतलब दान में भी कंजूसी करनी है, हद हो गई है, पूरे के पूरे 5 लाख रुपए दोगे? प्लीज प्लीज प्लीज। अरे ठीक है दे दूंगा, 5 लाख रुपए दे दूंगा सेठ जी। बस सेठ जी, बस जब 5 लाख मेरे हाथ में आ जाए फिर ना मैं उसका मकर फुटरी की गठरी जो है ना बांध के बाहर फेंक दूंगी। करू पैसे देना जरूरी है क्या? जब ठंड में कैसे जो है रुपए ऐसा सिकुड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि ना वापस है तिजोरी के गरमाहट चाहिए। दे दो इलायची के पापा, अब जबान दिए तो दे दो ना, वैसे भी बेचारे पिंटू अभागन का भला हो जाएगा, दे दो। जमाई साहब वो खिचड़ी परोस दूं? सिटी वो क्या है? ये क्या है? पुत्री मैं क्या बोल रहा था कि थारे ब्याह के लिए ना पैसों का जुगाड़ अब हो गया है, अब जल्द से जल्द थारे लिए कोई अच्छा छोरा ढूंढ के ना थारे हाथ पीले कर दूंगा मैं। बापू जो तने ठीक लागे, अब मैं दुखियारी क्या बोलूंगी। अरे रे एक मिनट फूट रही, इतनी भी जल्दी क्या जाने की, रुको अभी। अब मारा यहाँ के काम है बताओ जी है। लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को किसी से मिलवाना चाहती हूँ, एक बेटा पिंकी अंकल। हाँ भाई आजो आजो, इलायची ले आए हैं हम दोनों को, लाओ। ये आदमी ये औरत ये बच्चा कौन है? इलायची बताओ इनको। पापा हाँ, ये है असली फूटरी, उनके पति और उनका एक छोटा सा बच्चा। जी ये हमारी लुगाई फुटरी है, असली फुटरी बारनपुर वाली है। दरअसल वो क्या है ना, ये और इसके पिताजी बाढ़ में बहकर यमुना के तट पर रह रहे थे, तो हमारे पिताजी ने घर ले आए और 4 साल पहले ही तो हमारी शादी हुई थी। पापा ये ना नकली फूटरी है और ये है असली। अरे जीजा जी की वो जिससे बचपन में शादी हुई थी ना, ये वो फूटरी है, लेकिन अब तो इसकी भी शादी होगी, इसका पूरा परिवार है, बच्चा है। इसका मतलब जीजा जी कवारे हैं और नहीं मेरा मतलब वन एंड ओनली वाइफ उनकी पिंटू भाभी है बस। अरे तू कहाँ भागी जा रही है? मेरे पापा के पैसे उठे, ये दे उठे, ये लो पापा। अरे यार पता है पापा, ये लोग ना शहर शहर जाके ना लोगों को धोखा देते हैं, पैसे लूटते हैं उनसे, यही तो धंधा इनका। पिंकी अंकल अरेस्ट कर लीजिए इन दोनों धोखेबाजों को, अरेस्ट कर लीजिए। हाँ हाँ
अब देखो पिंकी जी इन दोनों को ले जाके थाने में कैसे थर्ड डिग्री का टॉर्चर करेंगे। चलो अरेस्ट करो दोनों को। जी चलना जा आया। चल ये अंकल रेडी हो जा भाई आओ सच सुना चल। हाँ माना कि हमने झूठ कहा लेकिन आप दोनों भी कौन सा दूध के धुले हो। हाँ सही करी मारी छोरी। सेठ जी आपकी बेटी और उस नौकर का ना चक्कर चल रहा है। चल रही है। मेरे तो भाग्य